वकील और उसकी महिला सहयोगी की पिटाई का वीडियो वायरल। सोसाइटी के कमेटी मेंबर ने मिलकर महिला वकील से मारपीट छेड़छाड़ का मामला दर्ज। मुंबई मलाडपुरार पुलिस स्टेशन के हद में एक वकील ने सोसाइटी के दो कमेटी मेंबर के खिलाफ वकील के दफ्तर में काम करने वाली महिला कर्मचारी के साथ छेड़छाड़ और मारपीट गाली गलौज का मामला दर्ज किया है। दरअसल पूरा मामला पूर्व कुरार पुलिस स्टेशन के हद में शगुन ऑर्किड सोसाइटी का है, जहां वकील पंकज घिल्डियाल का दफ्तर है। दफ्तर में इंटरनेट की सेवा नहीं होने के कारण पंकज ने सोसाइटी ऑफिस में सोसाइटी के टेरेस की चाबी लेने के लिए उनकी बेटी को भेजा था, लेकिन सोसाइटी में मौजूद कमेटी मेंबर ओम प्रकाश शिवनाथ मौर्य और जितेंद्र पाल चाबी देने से मना कर दिया। जब वकील पंकज और उनकी महिला सहयोगी सोसाइटी ऑफिस में खुद चाबी मांगने गए तो ओम प्रकाश और जितेंद्र ने मारपीट की, जिसका पूरा वाकया सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर दिखाई और सुनाई दे रहा है कि किस तरह से सोसाइटी दफ्तर के अंदर मौजूद ओम प्रकाश और जितेंद्र पाल दौड़कर पीले टी शर्ट में मौजूद वकील पंकज और उनके साथ खड़ी महिला की लात घूंसे से पिटाई करते नजर आ रहे हैं। वारदात के बाद कुरार पुलिस ने महिला की शिकायत के बाद ओम प्रकाश और जितेंद्र पाल के खिलाफ महिला से छेड़छाड़ और मारपीट का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही है। फिलहाल घटना के बाद बार काउंसिल वकील में इसको लेकर बेहद नाराजगी है। बार काउंसिल अध्यक्ष का कहना है कि अगर कुरार पुलिस ने तुरंत कार्रवाई नहीं किया तो वकीलों का बड़ा समूह कुरार पुलिस स्टेशन का घेराव करेगा। मुंबई से ग्लोबल न्यूज़ टीवी के लिए रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। पहले भी मैंने एक कंप्लेंट लॉन्च की थी यहाँ पर, बट उन्होंने कभी कोई एक्शन नहीं लिया, मैंने कंप्लेंट रिजेक्ट कर दिया। शायद अगर वो तभी एक्सेप्ट कर लेते तो आज मेरे पे ये नौबत नहीं आती। आज मुझे यहाँ पे मैं 5 बजे आई हूँ, 5 बजे से अभी शायद 12:30 बज चुके हैं, मैं अभी तक यहाँ पे ही हूँ। अब जाके मुझे उन्होंने कॉपी दी है, जबकि NGO के मैम आए, आप लोग सब आए, तभी उन पर प्रेशर बना, उसके बाद उन्होंने मुझे कॉपी दी है। तब तक मैं बैठी रही थी यहाँ पर, मुझे कोई एंटरटेन नहीं कर रहा था। मैं मैम को बार बार पूछ रही थी, उनका नाम था मीनल शिंदे, वो बार बार आ रही थी जा रही थी, उन्होंने बहुत टाइम मेरा वेस्ट किया वहाँ पर, मेरे पेशेंस लूज हो रहे थे उन सारी चीज़ों में। लेकिन मिस्टर ओम प्रकाश मौर्य और मिस्टर जितेंद्र पाल, उन्होंने मुझे गाली गलौज की, मुझे फिजिकली टच करके मुझे धक्का वक्का दिया, मारने की कोशिश की। और इसके पहले भी उन्होंने मेरे पास हफ्ता वसूली की, जैसे प्राइम मांगे थे कि जबकि मैं वहाँ पर काम कर रही थी, कि अगर तुमको तुम्हारा कैंटीन चलाना तो तुम्हें हमको हर महीने में 5,000 रुपये देना पड़ेगा। अब वो वही जानते कि उन्होंने इतना डिले क्यों किया। अगर कोई नॉर्मल पब्लिक आके इनके पास कंप्लेन करती है तो वो उनको एंटरटेन नहीं करते, वो अपना जो वहाँ से ऊपर से जो प्रेशर आता है वो उनको एंटरटेन करते हैं, इस वजह से नॉर्मल पब्लिक है वो सफ़र करती है। नॉर्मल पब्लिक जाएगी कहाँ पर? उनको कम की किया गया, लिटरली हाथ से उनको धक्का दिया गया, जो हाथ उनके स्तन पे पहुंचा है और स्तन पे उनको टच हुआ है, और स्तन को टच होके ही वो उन्हें धक्का दिया गया है, गाली गलौज किए गए, ऐसे अभद्र शब्दों का प्रयोग किया है। जो अभद्र शब्दों का प्रयोग किया वो कमिटी मेंबर है, BOA मेंबर जिसको बोलते हैं, जो एक डेप्यूटी रजिस्ट्रार जो उपनिबंधक सरकारी संस्था है उनके अधीन है। उनको सभासद को लोगों को सर्विस देनी चाहिए, सभासद लोगों का समस्या का निवारण करना चाहिए, बट अगर कोई जाता है उनके इधर तो उनको वो ऐसा समझते हैं कि वो शगुन मॉल के मालिक हैं, वो जो चाहे वो पैसा कर सकते हैं और कोई उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता। आज जिस तरह का एक महिला के साथ उन्होंने व्यवहार किया है वो बिल्कुल ही निंदनीय है और बिल्कुल ही शब्दों के लायक नहीं है, किसी डिक्शनरी में उसका वर्ड नहीं है। जिस तरीके का मोलेस्टेशन किया है, धक्का मुक्की उनके साथ में की है। कुरार पुलिस में भी ने जो महिला पुलिसकर्मी है उन्होंने भी काफ़ी लापरवाही बरती, काफ़ी देर तक हरस किया। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल लापरवाही बरती है। मैं जब शुरुआत में पहुँचा था तो मैंने उनको बताया तो उन्होंने कहा था कि हम NC लिख के देंगे, आप कोर्ट से जस्टिस मांग लो। तो हमने जब कहा कि भाई ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है CRPC के अंदर, ये आपको फर्स्ट इंस्टेंस में इसमें FIR लॉन्च करनी चाहिए, तब जाके उन्होंने कॉग्निजेंस लिया। फिर कॉग्निजेंस लेने के बाद में जो उन्होंने इतना विलंब किया, लिटरली मेरी लड़की को